इस पर ऋषि भाष्य तो मिला नहीं। आपका प्रश्न है कि जो अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या ये मंत्र है, तो इस मंत्र में अष्टचक्र से क्या तात्पर्य है, ये आपका प्रश्न है। तो उत्तर ये है कि इस पर हमें कोई ऋषि भाष्य तो मिला नहीं, इसलिए हम कोई प्रामाणिक रूप से कह नहीं सकते। फिर भी जो अन्य विद्वानों का उत्तर मिला, तो महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि यदि ऋषि भाष्य मिले तो प्राथमिकता उसको देनी चाहिए, जिन मंत्रों पर ऋषि भाष्य न मिले तो फिर उत्तम आर्य विद्वानों की व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए। तो इस मंत्र पर ऋषि भाष्य तो मिला नहीं, तो एक आर्य विद्वान ने इस पर ऐसी व्याख्या की कि अष्टचक्र का अर्थ है योग के आठ अंग। ये जो देवों की अयोध्या नगरी है शरीर, ये अयोध्या नगरी शरीर है, और इस शरीर में आठ अंगों का पालन किया जाता है, योग के आठ अंगों का अनुष्ठान किया जाता है, ऐसी मनुष्य शरीर नगरी है। तो अष्टचक्र का अर्थ करो आठ अंग, तो ठीक है, इसमें कोई विरोध नहीं दिख रहा। इसका अर्थ देवता के हिसाब से नहीं लगता, छंद के उसके हिसाब से, लेकिन इसका स्वयं ब्रह्म प्रकाशिनो देवता इसका शरीर पर अर्थ बनता है नहीं इस प्रकार से? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं मैं नहीं समझा। इसके देवता जो ऋषि अर्थ करते हो देवता छंद, अरे उसको ध्यान में रख के करते हैं, तो इसका देवता क्या है बताइए? ब्रह्म प्रकाशिनो देवता है इसका। ब्रह्म प्रकाशिनो, हाँ, मतलब देवता लिख रखा ना, जो देवता लिखा जाए, हाँ, ब्रह्म प्रकाशिनो देवता, इसका अर्थ बताइए ना। ब्रह्म प्रकाशिनो का क्या अर्थ समझा आपने? देवता किसे कहते हैं? वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मतलब भाई देवता के हिसाब से अर्थ लगाया जो नव द्वार है इसकी। नौ द्वार हैं ये तो स्पष्ट है, आंख नाक कान छिद्र जो हैं ये नौ छिद्र हैं हमारे शरीर में, ये नौ द्वार हो गए। लेकिन इस तरीके में जो दूध पिलाती है उसके में 11 हो गए। तो बता तो रहे हैं भाई, जहाँ पर ज्यादा लागू होता है उतना मान लो, जो नहीं लागू हो छोड़ दो उसको। मतलब इसमें देखो वेद अगर जो कह रहा तो फिर वो सब लागू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, हमने जो कुछ सीखा वेद में से ही तो सीखा है, ये अभिधावृत्ति लक्षणावृत्ति व्यंजनावृत्ति सब वेद में से आई है, ये कोई हमारे घर की कल्पना नहीं है, ये सब वेदों में से ही सीखा है। फिर ये ज्यादा द्वार हो गए, ये कहां ले वो छोड़ देंगे, जो लागू नहीं होता छोड़ दो। ऐसे बहुत अभी कह तो रहा हूँ, मीमांसा दर्शन पढ़ो फिर समझ में आएगा। ये 1000 कानून है आपने वो पढ़े ही नहीं। व्याकरण पढ़ना होगा, भाषा विज्ञान समझना होगा, मीमांसा दर्शन पढ़ना होगा, तब समझ में आएगा वाक्यार्थ कैसे होता है। कविता लोग बनाते हैं, तुम कहो तो आसमान के तारे तोड़ के तुम्हारे कदमों में बिछा दूं। भाई एक तो तोड़ ला सारे कहाँ से लाएगा, एक तो तोड़ ला। अब बड़ी बड़ी कविता सुनाते हैं, पर्वतों ने कहा हवाओं से, हवाओं ने कहा पंछियों से, पंछियों ने कहा दीवारों से, कोई भी नहीं बोलता, और ये कवि सबसे बुलवा देते। तो ये सारी आलंकारिक बातें होती हैं, आलंकारिक बातें बहुत होती हैं। वेद मंत्रों को पढ़ेंगे, स्वामी दयानंद जी भाष्य करते हैं, वो लिखते हैं इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। अब जिसने अलंकार शास्त्र नहीं पढ़ा उसको क्या समझ में आएगा? अब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इसमें क्या अलंकार है, कौन सा शब्द लुप्त है, वाचक शब्द वहाँ लुप्त है, और वो मोटा आदमी मोटे लेवल का कहेगा साहब इसमें ये शब्द है ही नहीं। अभी कल परसों फेसबुक पे मेरी बात चल रही थी किसी से, तो वहाँ ये टॉपिक चल रहा था कि सन्यासी का ही मोक्ष होता है या राजा का भी हो सकता है। मैंने कहा सिर्फ सन्यासी का होता है, राजा का तो नहीं होता। बोले छठे समोल्लास में मनु जी का प्रमाण दे के लिखा है कि जो राजा न्यायप्रिय हो और चक्रवर्ती राजा हो तो वो भी मोक्ष सुख का भागी होता है। मैंने कहा ठीक है, लिखा तो है, शब्द तो लिखे हैं, पर उसकी व्याख्या तो करो, क्या राजगद्दी से सीधा मोक्ष में जाएगा? मैंने कहा ऐसा तो अर्थ नहीं बनता है। बोले यहाँ तो लिखा है। मैंने कहा वो लिखे के लिए समझने के लिए तो बुद्धि चाहिए। अब मैंने कहा इसकी जगह पांचवें समोल्लास में ये लिखा है अति उग्र तपश्चरण करने वाले सन्यासियों का ही मोक्ष होता है, यहाँ ही शब्द है, ये भी मनु का प्रमाण है, पांचवें का भी और छठे का भी, दोनों मनु के प्रमाण है। एक में लिखा है कि राजा जो है वो मोक्ष का भागी है, और एक जगह लिखा है केवल सन्यासी का ही मोक्ष होता है, ही, और अन्यों का नहीं, निषेध भी कर रखा है अन्यों का नहीं होता। पांचवें समोल्लास में मैं दिखा देता हूँ, अभी निकाल दूंगा, दो मिनट रुको, अभी निकाल देता हूँ। तो फिर वो कहने लगा जी श्लोक में तो ही शब्द कहीं दिखता नहीं। मैंने कहा आपको नहीं दिखता, ऋषि को दिखता है, आपकी योग्यता थोड़ी है देखने। मंत्रों में क्या लिखा है, श्लोकों में क्या लिखा है, वो तो ऋषि जानता है, आप थोड़ी जानते हैं। उसमें एव शब्द नहीं है तो भी उसमें छिपा है, वो ऋषि को दिखता है, इसीलिए उन्होंने ही शब्द लिखा है। फिर मैंने उसको कहा और आगे बताया
कि जो आप ये कह रहे हैं कि राजा का मोक्ष होता है वो तो लिखा है, वो शब्द लिखे हैं, उसका वक्ता का तात्पर्य तो समझो। अब देखिए, जो यहाँ पर ही लिखा है कि सन्यासियों का ही मोक्ष होता है, अति उग्र तपश्चर्य करने वाले, तो जब मैंने ये लिख करके उसको उत्तर दिया तो उसका एक और उत्तर आया, बोले आपके इस वाक्य के बाद तो मेरे मन में एक और शंका आ गई। मैंने क्या आ गई? बोले ये आ गई कि यहाँ जो लिखा है कि जो अति उग्र तपश्चरण करेगा उन्हीं का मोक्ष होगा, इसका मतलब जो इतनी ऊंची योग्यता वाला नहीं है, है सन्यासी और जितने लक्षण लिखे उतने लक्षण हैं नहीं उसमें, तो क्या उसका मोक्ष होगा? मैंने कहा उसका भी नहीं होगा, जो सच है वो सच है। तो मैंने खुल के बोला, मैंने कहा उसका भी मोक्ष नहीं होगा, उसको वैराग्य भी हुआ, उसको समाधि भी हुई और उसने तपस्या भी की और उग्र तपस्या भी की और परोपकार भी किया, परंतु पांच क्लेश दग्ध बीज नहीं कर पाया जो मोक्ष के लिए शर्त है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, 80 मील पहुँचा, 90 मील पहुँचा, 10 मील बाकी रह गया। मैंने कहा उस सन्यासी का भी नहीं होगा। तो मैंने कहा जब सन्यासी का भी मोक्ष नहीं हो रहा तो राजगद्दी वाले राजा का कैसे हो जाएगा? वो तो अभी राग द्वेष में डूबा हुआ है, इसको तो वैराग्य भी हो गया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, उसका भी नहीं हो रहा मोक्ष। तब उसकी समझ में आई कि हाँ अब मुझे समझ में आई। जैसे चौथे समोल्लास में लिखा है, मैं